तो दोस्तों अगर आपको क्विज गेम पावर पॉइंट में डिजाइन करना है तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो चाहिए होता है वो होता है एक आइडिया। ठीक है, क्विज गेम बनाने के लिए या ग्राफिक डिजाइन करने के लिए कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले चाहिए एक आइडिया। ठीक है, एक इमेज जो है दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको उस तरह की चीज़ें नहीं सोचने में आता है, ठीक है, आप उस तरह की चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, आपके दिमाग में आइडिया नहीं आता है, तो दोस्तों आप इसके लिए जो है गूगल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने गूगल किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने गूगल में टाइप किया है क्विज टेम्पलेट डिजाइन फॉर यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे गूगल में सर्च किया है तो हमें बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, गूगल के थ्रू हमें बहुत सारे डिजाइन दिखाए गए। उसके बाद मुझे ये डिजाइन ज़्यादा पसंद आया तो हम क्या करेंगे, इस तरह का जो है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे, यानी कि कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है इस तरह की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा लुक है और इस तरह की चीज़ें हम कैसे बना सकते हैं सब कुछ दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम बारीकी से आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि अगर इस वीडियो को एक बच्चा भी देख रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस बच्चे को भी समझ में आ जाए कि हम पावर पॉइंट के अंदर जो है क्विज टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप अच्छे से सीख सकें कि हम पावर पॉइंट के अंदर क्विज टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप में MS PowerPoint ओपन करूँगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपने लैपटॉप या PC में MS PowerPoint ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्लाइड मास्टर में चले जाना है। दोस्तों मैं आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ बल्कि मैं आपको जो है एक टैम्पलेट बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप टैम्पलेट बना लेते हैं तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक बार मेहनत कर दिया है तो दोस्तों आप उस टेम्पलेट को यूज करके लाइफ टाइम जो है वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत एक ही बार करनी है, यानी कि इस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है और सारी चीज़ें सीखने के बाद दोस्तों आपको एक बार मेहनत करके एक जो है इस तरह का टेम्पलेट बना लेना है और टेम्पलेट बन जाने के बाद दोस्तों आप जो है उस टेम्पलेट को यूज करके लाइफ टाइम वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट कैसे बनेगा वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि हम इसको सीखें फिर बनाएं, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट का लिंक दिया हुआ है, तो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो का जो अंतिम पार्ट है, वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, उसे आप देख करके ये सीख जाएंगे कि आप इस टेम्पलेट को यूज करके कैसे यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो का जो लास्ट पार्ट है जहाँ से मैंने आपको सिखाया है कि टेम्पलेट को यूज करके कैसे जो है आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं वो आप देख लेंगे तो दोस्तों आपका जो है यूट्यूब वीडियो बन जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इस तरह के टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रेडीमेड टेम्पलेट डाउनलोड करके आप उससे भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं कि इस तरह का टेम्पलेट हम कैसे बनाएं तो उनको मैं सिखाता चलता हूं कि अगर आपको खुद से इस तरह का टेम्पलेट बनाना होगा तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहां हमने जो है स्लाइड मास्टर ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये तो हमारा स्लाइड मास्टर है और ये हमारा स्लाइड है। ठीक है, एक स्लाइड को छोड़ करके बाकी सभी स्लाइड को दोस्तों हमें क्या करना है, डिलीट कर लेना है। ठीक है, डिलीट बटन से बाकी सभी स्लाइड को डिलीट कर लेना है। ठीक, यहाँ पे हमारा मात्र जो है एक स्लाइड बचेगा। ठीक है, एक स्लाइड बचेगा और एक मास्टर स्लाइड बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इसे डिलीट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है आपको इस पर आना है और फिर दोस्तों आप यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसे भी डिलीट कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ जो है, ठीक है, ये जो आपको थीम दिख रहा है ऑफिस थीम, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर डिजाइन करना है और इसमें दोस्तों आपको स्लाइड डिजाइन करना है। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों मैं बैकग्राउंड कलर डिजाइन करता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, पहले तो हमने जो आइडिया कॉपी किया है उसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इमेज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, सेम इसी तरह का बैकग्राउंड इसमें ऐड करना है और फिर दोस्तों स्लाइड के अंदर जो है इस तरह की चीज़ें हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग इसमें डिजाइन करेंगे और इसमें दोस्तों हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इस तरह का जो है बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं ग्रेडियंट कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रीसेट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से दोस्तों ये वाला, ठीक है, सेकेंड वाला ग्रेडियंट, इसमें मैं फिल कर दूँगा। टाइप में दोस्तों आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है तीन पॉइंट है। ठीक है, तीन पॉइंट है, अब इन तीनों पॉइंट के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, कलर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर ऑप्शन मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और देन दोस्तों मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पे दोस्तों मोर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसमें से दोस्तों मैं स्टैंडर्ड में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं इसमें कलर ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा जो पहला कलर रहेगा वो ये रहेगा और यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट में हमने कलर ऐड कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से दूसरा जो है पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा और दूसरा जो हमारा कलर रहेगा ये वाला रहेगा, ब्लू वाला। ठीक है, ये हमने दो कलर इसमें ऐड कर दिए। अब दोस्तों ये है हमारा तीसरा पॉइंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं कलर ऑप्शन में जाऊँगा, फिर मैं मोर कलर में जाऊँगा, स्टैंडर्ड में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं ये कलर इसमें फिल करा दूँगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं ओके कर दूँगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है बैकग्राउंड डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस तरह की चीज़ें इस स्लाइड के अंदर डिजाइन करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस इमेज को कट कर लूँगा, यानी कि यहाँ से इसे हटा दूँगा, फिर मैं स्लाइड में आऊँगा और यहाँ पे आकर के दोस्तों मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। ओके, अब दोस्तों मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिजाइन करूँगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड को छुपा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं फिट टू स्लाइड कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसमें मैं चीज़ों को डिजाइन करूँगा। ठीक है, अब ये डिजाइन कैसे करेंगे, यानी कि इसका जो लेआउट है ये कैसे डिजाइन होगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से होम टैब में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक जो है रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो है एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, और उसके बाद दोस्तों आपको इसे कितना चौड़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल शेप है इसके ऊपर क्लिक करके फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट पॉइंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है डॉट्स आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बीच में माउस कर्सर को रखेंगे बिल्कुल किनारे में। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए माउस कर्सर जो है प्लस आइकन जैसा बन जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड पॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ के जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरका देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे थोड़ा सा सरका देंगे और देन दोस्तों यहाँ पे आपको जो है दो वाइट डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, दो वाइट पॉइंट दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाइट वाला डॉट है इसे पकड़ेंगे और इसे दोस्तों थोड़ा सा नीचे सरका देंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व हो जाएगा। और फिर दोस्तों ये जो डॉट है इसे भी पकड़ के इधर थोड़ा सरका देंगे। ठीक है, एक डॉट को दूसरे डॉट पर रख देंगे तो इस तरह से ये बराबर जो है ये इस तरह से तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा और फिर दोस्तों हम लोग साइड में क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है डिजाइन बन जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो है इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और जो है इधर होना चाहिए, थोड़ा सा और जो है तिरछा होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, और ये जो आपका डॉट है इसे पकड़ेंगे
और इसे पकड़ के दोस्तों आप थोड़ा सा और जो है लेफ्ट साइड सरका देंगे, तो इस तरह से ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और देन दोस्तों आप इस व्हाइट वाले डॉट को थोड़ा सा पकड़ के ऊपर लेकर के आएंगे और उसके बाद इस तरह से तिरछा करेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इस डॉट को मैं इधर थोड़ा लेकर के आता हूँ और फिर मैं इधर सरकाता हूँ, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसे दोस्तों आप अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा और इस तरह से प्रॉपर जो है बिल्कुल एक दूसरे के एकदम समानांतर में रखते हुए इस तरह से आपको ये डिजाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है डिजाइन बन जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से एडिट पॉइंट में जाएंगे और फिर दोस्तों इस तरफ जिस तरह से हमने बनाया है सेम इसी तरह से दोस्तों हमें इस तरफ भी बनाना है। तो यहाँ पे किनारे में माउस कर्सर को लेकर के जाएंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड पॉइंट्स करेंगे और फिर दोस्तों इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड सरका देंगे कुछ इस तरह से। और देन दोस्तों ये जो वाइट डॉट है इसे पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर लेंगे, सरका के कर्व कर लेंगे कुछ इस तरह से कर देंगे, तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है ये डिजाइन बना लेनी है। और देन दोस्तों अब आप क्या करेंगे, इस डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर दोस्तों आप कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे कुछ इस तरह से। और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, कीबोर्ड पर कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करेंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से माउस कर्सर को कॉर्नर पे लेकर के आएंगे और इसे दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा आप इसकी साइज को बढ़ा देंगे हल्का सा, आप शिफ्ट को प्रेस करके और फिर दोस्तों कॉर्नर से इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर इंक्रीज नहीं करना है तो नीचे वाला को दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है प्रॉपर साइज यही रहना चाहिए, चलिए ये दोस्तों नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इन दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट शेप में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा, यहाँ से मैं सेंटर करूँगा, अलाइन जा करके पहले मिडिल कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है फ्रेम थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए, तो मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा नीचे लेकर के आऊँगा, सरका दूँगा कुछ इस तरह से, हाँ इस तरह से, और इधर से भी थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, इस तरह से हो जाएगा। फिर दोस्तों इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे दोस्तों थोड़ा इस तरफ सरका देंगे, ठीक है, और फिर दोस्तों इसको भी इस तरफ सरका देंगे कुछ इस तरह से, है ना। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर कर देंगे, अलाइन में जा करके इसे मिडिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है हमारा डिजाइन करीब करीब बन गया है। इसे मैं थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों से फॉर्मेट में रहते हुए मर्ज शेप में जाएंगे। मर्ज शेप में जाने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ से कर देना है फ्रैगमेंट, ठीक है। फ्रैगमेंट जैसे करेंगे तो यहाँ पे दो शेप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक ये फ्रेम बन गया है और एक ये शेप बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है एक फ्रेम बनाना है और एक शेप बनाना है, ठीक है। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में क्लिक करेंगे, ठीक है, होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना होने के बाद दोस्तों होम टैब में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक जो है इस तरह से पतला सा डंडी, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बना हुआ है सेम इसी तरह का दोस्तों यहाँ पे डंडी बना लेंगे और इसे दोस्तों यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, बिल्कुल बीच में रख देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक लाइन दिखने लग गया है, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा और उसके बाद दोस्तों इसका डुप्लीकेट बना करके एक दूसरी डंडी हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये दोनों बीच में आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इन दोनों शेप को, ठीक है, सिर्फ इन दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लूँगा ताकि ये दोनों जो है एक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, अलाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे सेंटर कर दूँगा, यानी कि ये जो पूरी स्लाइड है इसके बीच में कर दूँगा। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा डंडी है इसे सेलेक्ट करूँगा, फिर दोस्तों मैं शिफ्ट को प्रेस करके ये जो हमारा फ्रेम है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर दोस्तों ये जो डंडी है इस पर क्लिक करके मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यानी कि इन तीनों चीज़ को सेलेक्ट करूँगा।
पहला ये डंडी, दूसरा ये डंडी और तीसरा हमारा ये फ्रेम, और ये वाला जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है इसे दोस्तों हमें सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों सेव फॉर्मेट में जाएंगे, मर्ज शेप में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसे कंबाइन कर सकते हैं या तो आप इसका यूनियन बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनियन बन जाएगा, यानी कि ये जो है पूरा एक बन जाएगा, ठीक है। ये डंडी फंडी लगा करके ये पूरा एक बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद मैं एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ पे ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके इसे कर दूंगा ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर कर दूंगा, तो यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से बन गई है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेप है इसमें मैं दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा सेप है इसमें मैं कोई दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इस पर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं फॉर्मेट सेप में जाऊँगा और उसके बाद दोस्तों इसमें मैं ग्रेडियंट कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं लाइनर में जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं रेडियल फिल करवा देता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसमें कुछ और करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इसमें कोई डार्क कलर फिल करवा सकते हैं। हाँ, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आप इसके अंदर जो है ये ग्रेडियंट कलर फिल करवा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रेम है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों हमने जो सिल्वर कलर वाला जो इमेज डाउनलोड करके कॉपी किया है उसे दोस्तों हमें क्या करना है, पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाना है और यहाँ से क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके इस कलर को यहाँ पे फिल करवा देना है और देन दोस्तों इसे कर देंगे क्लोज और उसके बाद दोस्तों सेप आउटलाइन में जा करके कर देंगे नो आउटलाइन। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा सेप है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं सेप आउटलाइन में जाऊँगा और इसमें भी कर दूँगा नो आउटलाइन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव फिल में जाता हूँ, आई ड्रॉपर में जाता हूँ और ये कलर मैं एक बार फिल करके देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका बन जाएगा। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लेना है, ठीक है। कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बनाएंगे और देन दोस्तों कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे दोस्तों यहाँ पर नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब इसको कितना छोटा करना है, कितना बड़ा रखना है, इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करके यहाँ से गाइड्स ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइनें आ जाएगी, ठीक है, बीचों बीच एक लाइनें आ जाएगी और इससे हमें अंदाज़ा चल जाएगा कि हमें इसे जो है कितना बड़ा रखना है और कितना छोटा रखना है। और इसे दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है जितना चौड़ा रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं इतना रख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ए ऑप्शन के लिए एक बन जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके नीचे रख देंगे कुछ इस तरह से। और फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को यानी कि इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और पहले तो पिक्चर फॉर्मेट में जा करके अलाइन में जा करके इसे सेंटर कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे इन दोनों का और फिर दोस्तों बिल्कुल कुछ इस तरह से इसे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाएंगे और इसे दोस्तों मिडिल कर देंगे ताकि ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर में आ जाएँ। और फिर दोस्तों इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और फिर अलाइन में जाएंगे और इसे भी दोस्तों कर देंगे मिडिल, ठीक है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस तरह का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लेआउट डिजाइन हो गया है। अब ये बैकग्राउंड कलर हमें थोड़ा सा इसमें मतलब सही नहीं लग रहा है, तो अगर दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप इसमें पावर पॉइंट के अंदर जो है आप सही ग्रेडियंट कलर नहीं बना पाते हैं, आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है, ग्रेडियंट आप नहीं बना पाते हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको टेक्सचर पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाना है। पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों ऑनलाइन पिक्चर मिलेगा, आप ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जिस कलर का ग्रेडियंट कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, जैसे कि मुझे ब्लू ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पर डार्क BLUE ब्लू ग्रेडियंट,
ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का जो है डार्क ब्लू ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो कलर पसंद हो, जैसे कि मुझे ये पसंद आ गया है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसको दोस्तों यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रेडियंट कलर आराम से बन गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं बना पाते हैं तो आप इस तरह से इसके अंदर इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो हमने कलर इसमें फिल किया है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये शेप हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर में जाएंगे और इसमें भी दोस्तों आप जो है पिक्चर में जा करके और फिर दोस्तों आप इंसर्ट में जा करके फिर दोस्तों आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर भी दोस्तों आप जो है ग्रेडियंट कलर इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड और सर्च कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्लू बैकग्राउंड ग्रेडियंट हमें मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए आप इस तरह का भी कर सकते हैं, ये भी पता नहीं कैसा लगेगा, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा जो है इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके इसे ग्रुप में जा कर के अनग्रुप कर दूँगा, क्योंकि हमें इसे ग्रुप नहीं रखना है। इस शेप को भी दोस्तों मैं सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा, इसे अनग्रुप कर दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ से मैं अनग्रुप कर दूँगा। फिर दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ से अनग्रुप कर दूँगा, ठीक है। सेम इसी तरह से दोस्तों आपको ये चारों को अनग्रुप कर लेना है, ठीक है। इन चारों को एक साथ अनग्रुप कर लेना है। फिर दोस्तों ये जो हमारा शेप है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करके कॉपी कर लूँगा और सेम कलर दोस्तों इन चारों में मैं अप्लाई कर दूँगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इंसर्ट प्लेस होल्डर में जाना है, यहाँ से टैक्स सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टैक्स बॉक्स ऐड कर लेनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और फिर मैं इन सभी को सेलेक्ट करके डिलीट बटन से इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, होम टैब में जाऊँगा, यहाँ से दोस्तों मैं अलाइन टेक्स्ट में जा करके इसे मिडिल कर दूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ से इसे मैं बुलेट्स को नन कर दूँगा और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे दोस्तों मैं मिडिल कर दूँगा और इसका कलर दोस्तों मैं यहाँ से वाइट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों मैं अपने पसंद का फॉन्ट इसमें अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टेको बोल्ड फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, टेको, ठीक है। आप जो आपको पसंद हो वो फॉन्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लिकेट बनाऊँगा। फिर दोस्तों इसे यहाँ पर मैं रख दूँगा, ठीक है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर रख दूँगा और फिर दोस्तों मैं इसे पकड़ के रख दूँगा, ठीक है। फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी से इसका डुप्लिकेट बनाऊँगा और इसे दोस्तों यहाँ पे मैं रख दूँगा। फिर मैं कंट्रोल डी से इसका डुप्लिकेट बनाऊँगा और इसको दोस्तों यहाँ पे मैं प्रॉपर जगह पे रख दूँगा और फिर दोस्तों मैं कंट्रोल डी से इसका डुप्लिकेट बनाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं डी ऑप्शन की जगह पर रख दूँगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग सवाल टाइप करेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन टाइप करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे टाइप योर क्वेश्चन हियर या ऐसा कुछ। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर में जाते हैं और यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर लेते हैं और यहाँ से दोस्तों रिसेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि ये एडिटेबल है या नहीं है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सारे टेक्स्ट हट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका जो है लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसी तरह का जो है लेआउट आते जाएगा और इसमें आप सवाल, इसमें ऑप्शन और ये सारी चीज़ें टाइप करते जाएंगे और इस तरह से आपका स्लाइड बनते जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये दो स्लाइड हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये तीसरा स्लाइड आ जाएगा। फिर दोस्तों आप इसमें सवाल टाइप करेंगे, इसमें ऑप्शन टाइप करेंगे, इस तरह की चीज़ें इसमें आपका बनता जाएगा, ठीक है। अब इसमें करेक्ट आंसर कैसे बताएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चीज़ें करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, जैसे कि एक लेआउट हमने बना दिया है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा,
तो पहले तो दोस्तों इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एनिमेशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन लगाएंगे कैसे, आइए जानते हैं, ठीक है। मैं पहले क्या करूँगा, ये जो हमारा सेफ है, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये जो हमारा फ्रेम है ये वाला, और फिर मैं कंट्रोल को सेलेक्ट करके ये जो हमारा सेप है पर्पल चॉकलेट कलर का, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इन दोनों सेप को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। फिर दोस्तों मैं एनिमेशन टैब पे जाऊँगा और फिर मैं यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन कर लूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि इसमें जो भी एनिमेशन लगा रहे हैं वो कैसा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन दोनों सेप को मैं सेलेक्ट करके इसमें दोस्तों मैं अपने पसंद का जो है कोई एनिमेशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एड एनिमेशन में जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। मोर इंट्रेंस इफेक्ट मिलेगा आपको, इसमें जाना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है एनिमेशन मिल जाएंगे, तो आपको इसमें से जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार जो है स्ट्रेच वाला लगा के देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं ये लगाऊँगा तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो एक एक करके आपको इसमें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें जो है परफेक्ट बैठ रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं पिक इन एनिमेशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पिक इन एनिमेशन लग गया है। उसके बाद दोस्तों आप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप इधर से लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ से ऊपर से कर देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से आता हुआ दिखेगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से करूँगा फ्रॉम बॉटम, थोड़ा मैं इस तरह से चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कर लूँगा। और ये जो दोस्तों हमारा ऊपर वाला एनिमेशन है, इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं कर दूँगा विथ प्रीवियस, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो एक में एनिमेशन लग गया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसमें तो दोस्तों मैं वाइप एनिमेशन लगा देता हूँ, ठीक है। वाइप एनिमेशन लगाने के बाद मैं इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं फ्रॉम लेफ्ट कर दूँगा, तो इस तरह से ये आएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं कर दूँगा आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में वाइप एनिमेशन लगाएंगे और इसमें कर देंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसा आ रहा है, इस तरह से आएगा और फिर इस पर सवाल आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, इस फ्रेम को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये जो हमारा सेफ है इसे सेलेक्ट करना है। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एड एनिमेशन में जाएंगे, मोर इंट्रेंस इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों पिक इन एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे और देन दोस्तों इफेक्ट में जा करके इसमें मैं क्या करूँगा, फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा ताकि मैं चाहता हूँ इसे मतलब इस तरफ से होकर के आए, ठीक है। और फिर दोस्तों ये जो हमारा ऊपर वाला आपको जो एनिमेशन दिख रहा है, यानी कि इसमें हमने दो एनिमेशन लगाए हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो दोस्तों ऊपर वाला जो एनिमेशन है इसमें दोस्तों आपको कर देना है आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे जो सेफ है उसमें तो एनिमेशन लग गया है, लेकिन दोस्तों अभी इस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लगा है, तो इसमें भी जो है हमें एनिमेशन लगाना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं इसमें वाइप एनिमेशन लगा दूंगा और उसके बाद दोस्तों मैं इफेक्ट में जा करके फ्रॉम लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं माउस से क्लिक करेंगे तभी ये आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं माउस से क्लिक किए बिना, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि माउस से क्लिक करें तब यहाँ पर आंसर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक आ जाए। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आफ्टर प्रीवियस अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसा हो रहा है, पहले इस तरह से सवाल आएगा और फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से दोस्तों आपको बी ऑप्शन में भी जो है एनिमेशन लगाना है, सी में भी लगाना है, फिर डी में लगाना है, ठीक है। एक एक करके दोस्तों आपको जो है सभी चीज़ों में एनिमेशन लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल या शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे शेप को सेलेक्ट करूँगा। फिर दोस्तों मैं एड एनिमेशन में जाऊँगा, मोर इंट्रेंस में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं पिक इन एनिमेशन इसमें अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा। और देन दोस्तों यहाँ पे मैं इफेक्ट में जाऊंगा और इस बार दोस्तों मैं कर दूंगा फ्रॉम राइट, इधर से आता हुआ दिखे, ठीक है। और फिर दोस्तों ये माउस से क्लिक करके नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए ऑटोमेटिक, तो मैं आफ्टर प्रीवियस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसमें भी इसी तरह का एनिमेशन लगाना है, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करके इस एनिमेशन को कॉपी करूँगा, यानी इसमें जो हमने एनिमेशन लगाया है वही एनिमेशन को यहाँ से कॉपी करूँगा। और फिर दोस्तों इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक कर दूँगा तो सेम एनिमेशन इस टेक्स्ट बॉक्स में भी लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा फ्रेम है इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसका एनिमेशन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और फिर दोस्तों मैं इस फ्रेम में अप्लाई कर दूँगा।
है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मैं चाहता हूँ कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो इधर से इधर आए, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो हमारा ये तो आप इससे भी जो है कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा जो है, जैसे कि दोस्तों ये जो हमारा सेफ है चॉकलेट कलर वाला जो हमारा सेफ है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसका एनिमेशन कॉपी करूँगा और सेम यही एनिमेशन दोस्तों इस चॉकलेट कलर वाले सेप के ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो सेम जो है एनिमेशन इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह का ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जिस तरह का एनिमेशन है, सेम वही एनिमेशन इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी हो, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा, इसका एनिमेशन कॉपी करके इस टेक्स्ट बॉक्स पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से दोस्तों इस सेप को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका एनिमेशन कॉपी करके इस सेप पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो हमारा सेप है चॉकलेट कलर वाला, इसका एनिमेशन यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा, तो सेम एनिमेशन इसमें भी लग जाएगा। फिर दोस्तों इस ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका एनिमेशन कॉपी करके इस टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई कर दूंगा, तो सेम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैसा हुआ है, ये देखिए इस तरह से सवाल आएगा, फिर यहाँ पर ए ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन और फिर इस तरह से डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें आती है उसके साथ एक साउंड भी आना चाहिए, ठीक है, कुछ साउंड भी आना चाहिए, तो वो भी दोस्तों आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो हमारा फ्रेम है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका एनिमेशन ये है, ठीक है। जब आप यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि इसमें जो आपने एनिमेशन लगाया है वो ये है, तो आप इसमें जो है साउंड लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे साउंड लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, आप साउंड में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों, ठीक है, अदर साउंड में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आपने इस तरह का साउंड पहले से डाउनलोड करके रखा है तो आप साउंड को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये साउंड लग जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का साउंड इसमें आने लग गया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ से साउंड को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अदर साउंड में जाएंगे, साउंड इफेक्ट में जाएंगे, पॉप, देखिए ये साउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें साउंड लगा सकते हैं। फिर मैं इस फ्रेम पे क्लिक करूँगा, फिर इसका एनिमेशन यहाँ पे दिख जाएगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं साउंड में जाऊँगा और यहाँ इसमें दोस्तों मैं ये वाला पॉप साउंड लगा दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका एनिमेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मैं साउंड में जाऊँगा और पॉप साउंड लगा दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका एनिमेशन यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, साउंड में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें पॉप साउंड लगा दूँगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पैनल ओपन हो जाएगा और इसमें दोस्तों मैं ये पॉप साउंड लगा दूँगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसा हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें ये बन जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको इसमें टाइमर लगाना है तो आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैंने जो है टाइमर के लिए जो है एक वीडियो डाउनलोड किया है, ठीक है, मैं उसे पहले ट्राई करता हूँ, अगर वो काम कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं टाइमर बनाऊँगा और फिर इसमें लगाऊँगा, ठीक है। तो मैं ऑल पीपीटी में जाता हूँ, ऑल टाइमर वीडियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे जो है टाइमर की वीडियो डाउनलोड की है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, वो टाइमर आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये वाला लगाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह के वीडियो है, किस तरह का टाइमर है, ये देखिए ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक करके इसे कॉपी करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा, पावर पॉइंट में आऊँगा और यहाँ पर आ करके दोस्तों मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी से उस वीडियो को पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से हो जाएगा। क्रॉप में जाऊंगा और इसको मैं इस तरफ से क्रॉप कर लेता हूं, इस तरफ से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं, और उसके बाद दोस्तों आप इसे जो है यहां पे लगा सकते हैं, यहां पे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे और फिर दोस्तों आप यहां पे लगा सकते हैं, अलाइन में जा करके इसे कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये टाइमर लग जाएगा। फिर दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से प्लेबैक में जाएंगे,
ठीक है। यहाँ से आप ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, ठीक है। जब ये प्ले होना, यहाँ से यहाँ तक प्ले होना बंद हो गया, फिर ये हाइड हो जाना चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये वीडियो आप इंसर्ट करेंगे, फिर आप प्लेबैक में जाएंगे, इसे ऑटोमेटिक करेंगे और यहाँ पे ये जो चेक टिक लगाने का है, हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, इसे आपको चेक टिक लगा देना है और देन दोस्तों आपका ये जो है टाइमर इसमें लग जाएगा। अब आपको लगा होगा कि सर यहाँ पे ये जो कलर है, ये ग्रीन पार्ट, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोस्तों इसे आप सही कर सकते हैं। या तो आपको क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा करके और सेम यही कलर का दोस्तों आपको इसमें जो है बैकग्राउंड ऐड करने होंगे, ठीक है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके बाद दोस्तों सॉलिड फिल में जाएंगे, यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे और सेम यही कलर दोस्तों आपको इसमें अप्लाई कर देना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इस तरह से चाहते हैं। अब देखिए, जो भी आप यहाँ पे वीडियो या टाइमर यहाँ पे लगाएंगे, उसका जो भी बैकग्राउंड कलर होगा, सेम वही कलर का बैकग्राउंड दोस्तों आपको जो है इसके अंदर लगाना होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं कि मैं खुद का टाइमर बनाता हूँ और उसे दोस्तों यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आप वीडियो वाला ऑटोमेटिक बना हुआ टाइमर आप यहाँ पे लगाएंगे तो फिर दोस्त बैकग्राउंड कलर का दोस्तों यहाँ पे इशू आ जाता है, ठीक है। चलिए, जो भी है ठीक है, रहने देते हैं। इसका दोस्तों मैं एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दूंगा कि इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल इसे ही रहने देते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा जो है लेआउट बन चुका है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस टाइमर को सेलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको एनिमेशन भी लगाना होगा, ठीक है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें एक एनिमेशन लगाऊँगा, इसमें मैं लगा देता हूँ अपीयर एनिमेशन, ठीक है। ये कब सो होना चाहिए, जब ये डी ऑप्शन आ जाए तब, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे ये टाइमर आ जाए तो आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तब टाइमर यहाँ पे आना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑन क्लिक रखेंगे, ठीक है। तो मैं ऑटोमेटिक रख देता हूँ आफ्टर प्रीवियस, ओके, तो टाइमर भी लग गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट आंसर कैसे सही बताएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ठीक है, फिलहाल दोस्तों हमने एक ही स्लाइड डिजाइन किया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने स्लाइड डिजाइन किया है, ठीक है, ये लेआउट है, ये मास्टर स्लाइड है और ये स्लाइड है, लेकिन ठीक है यहाँ पे मैं पहले क्लोज मास्टर व्यू करते हैं, ठीक है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। अभी आप यहाँ लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक ही लेआउट दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आपको एक ही स्लाइड दिखता है, लेकिन जब आप मेरा टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, मेरा टेम्पलेट जो आप यूज करते हैं, आप उसमें देखे होंगे कि लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे चार लेआउट मिलता है, करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर सी और करेक्ट आंसर डी। तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, चार लेआउट बनाना होगा। और ये कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाना है। जैसे कि यहाँ पे एक स्लाइड है तो लेआउट में आपको एक स्लाइड दिख रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम लेआउट में जाता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ ए करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए करेक्ट आंसर। अब आप देखिए, यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू करते हैं, लेआउट में जाते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए एक करेक्ट आंसर नाम से एक लेआउट बन गया है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर सी और करेक्ट आंसर डी बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, तो व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट बना देंगे, ठीक है। और इस पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम में जाऊँगा और यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है तो इसे मैं कर दूंगा यहाँ पे बी। तो इस तरह से ये हमारा बी लेआउट बन जाएगा। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट स्लाइड में जाऊँगा, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, रीनेम में जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं बी के जगह पे कर दूंगा सी। तो इस तरह से ये हमारा सी लेआउट बन जाएगा। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा डी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है ए लेआउट, बी लेआउट, सी और डी बन जाता है। लेकिन हमने लेआउट तो चार बना दिए, अब ये हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये कैसे ए आंसर को करेक्ट करेगा, कैसे बी को करेक्ट करेगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि ए लेआउट ये हमने बनाया है तो इसमें ए वाला को करेक्ट आंसर एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। वो कैसे होगा, जैसे कि ये जो हमारा फ्रेम है इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
और मैं एनिमेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड एनिमेशन में जाऊंगा और यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें फिल कलर एनिमेशन अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या आप ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका कलर यहाँ पे चेंज होने लग जाएगा। फिर आप इफेक्ट में जाएंगे और इसमें आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहें वो कलर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से करेक्ट आंसर बताने लग गया है, ठीक है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से ब्लैक करवा सकते हैं, ग्रीन करवाना चाहें तो आप यहाँ से ग्रीन करवा सकते हैं, ठीक है। ए लेआउट में ए वाला को करेक्ट कर दिया, बी वाले लेआउट में जाऊँगा और इसमें दोस्तों मैं क्या करूँगा, बी वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं एड एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन अप्लाई कर दूँगा और इसका कलर दोस्तों मैं ऑरेंज कर दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा इसमें बी जो है करेक्ट आंसर बताएगा। फिर मैं सी में जाऊंगा। सी में जाने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये जो सी वाला फ्रेम है इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐड एनिमेशन में जाऊंगा और यहां से दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट कलर इसमें अप्लाई कर दूंगा और इफेक्ट ऑप्शन में जा करके इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो इस तरह से इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट बताएगा और डी लेआउट में डी इसलिए करेक्ट बताएगा क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें मैं ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे मैं इफेक्ट में जा करके ये कलर अप्लाई कर दूंगा, इसलिए इसमें जो है डी वाला जो है करेक्ट आंसर बताएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों ए बी सी डी चार लेआउट हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर हम जो भी सवाल टाइप करेंगे, ऑप्शन टाइप करेंगे, अगर इसका करेक्ट आंसर ए होगा तो हम लेआउट में जा करके यहाँ से ए लेआउट अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि इसमें हमने जो है यहाँ से न्यू स्लाइड लिया, ठीक है, एक नया स्लाइड लिया, इसमें हमने सवाल टाइप किया। सवाल टाइप करने के बाद अब मान लीजिए कि इसमें जो भी करेक्ट आंसर है वो डी है, मतलब जो है डी करेक्ट आंसर है, तो लेआउट में जाकर के आपको यहाँ से डी लेआउट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बना लेंगे। ये सारी चीज़ें बन जाने के बाद अब हमें क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है, उसके बाद दोस्तों दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आप इसे जहां भी सेव करना चाहें वहां पे आप इसे सेव कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूं और यहां पे दोस्तों मैं क्विज कोर्स नाम से इसे मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें कर दिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम पावर पॉइंट टेम्पलेट कैसे बनाएँ। टेम्पलेट तो दोस्तों हमने बना लिया, अब इसे हम यूज कैसे करेंगे, वीडियो हमारा कैसे बनेगा, सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जीके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास 3 है इसे मैं हटा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट मिल जाएंगे जहां से दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं कोई सा भी। तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वेबसाइट ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं सवाल को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप या पीसी में पावर पॉइंट ओपन करूँगा, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लूँगा। अब यहाँ पे ब्लैंक ले लिया है और वो जो टेम्पलेट बनाया है उसे क्यों नहीं ओपन किया, दोस्तों उसे ओपन करेंगे, लेकिन हम लोग कैसे ओपन करेंगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों ओपन थीम्स में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि उस टेम्पलेट को हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो मैं डेस्कटॉप पे जा करके यहाँ से दोस्तों मैं इस थीम को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और देन दोस्तों होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे लेआउट में जा करके यहाँ से थीम को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेआउट में जा करके यहाँ पर थीम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, सवाल को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, ठीक है, सवाल को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन को पेस्ट करना है, ठीक है, कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कलर थोड़ा अजीब हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, रिसेट पे क्लिक कर देंगे तो इसमें दोस्तों फॉन्ट और फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है, एक स्लाइड बन गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ से देख लेते हैं।
सो आंसर पे क्लिक करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को टाइप करने के बाद लेआउट में जाएंगे और यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो वाला लेआउट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, ओके। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, या तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने डुप्लीकेट नहीं बनाया है तो आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरह का स्लाइड आ जाएगा। और फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको इसमें जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना बताया, उस तरह से आप इसमें कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देंगे और लेआउट में जा करके जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसका लेआउट चेंज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, 100 सवाल, 500 सवाल, 1000 सवाल, जितने सवाल का आपको स्लाइड बनाना होगा इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्तों हम इसे स्लाइड शो करके देखते हैं कि हमने जो बनाया है, हमने जो मेहनत किया है उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, किस तरह की चीज़ें हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल आ गया, ये ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे टाइमर चलाना है, तो टाइमर चलाने के लिए मैं जैसे ही स्पेस की या एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये टाइमर आ जाएगा। अरे टाइमर नहीं चला। करेक्ट आंसर आ रहा है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाइमर नहीं आ रहा है, टाइमर नहीं चलता है। तो आप क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप टाइमर को सिलेक्ट करेंगे, प्लेबैक में जाएंगे, ठीक है, वीडियो प्लेबैक में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक रहना चाहिए तो आपको इसे ऑटोमेटिक है, सॉरी ये ऑटोमेटिक रहना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, तो ये ऑटोमेटिक कर देना है, ठीक है। अगर टाइमर नहीं चलता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो प्लेबैक में आ करके यहाँ से आपको ऑटोमेटिक कर देना है। आपको क्या करना है, स्लाइड में आना है, फिर वीडियो को सिलेक्ट करना है, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद प्लेबैक में आना है और यहाँ पे व्हेन ऑन क्लिक है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा और देन दोस्तों स्लाइड मास्टर में रहते हुए क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे, ठीक है। उन चारों स्लाइड में सही कर देंगे तो बाकी इधर जितनी भी स्लाइड होगी सभी में जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसे प्ले करके देखते हैं। चलिए अब हम एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए टाइमर तो सही आ रहा है, टाइमर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है लेकिन आंसर पहले आ जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये करेंगे, इसे सही करेंगे, आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, ठीक है, और ये जो हमारा लेआउट है इसमें जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे एनिमेशन पैन ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, ये जो वीडियो है हमारा, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दो एनिमेशन है, ठीक है, इसमें टिगर भी लग गया है। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले एनिमेशन को डिलीट कर देना है और इसका जो करेक्ट आंसर वाला जो एनिमेशन है ये वाला, इसे आपको पकड़ के नीचे कर देना है, ठीक है, करेक्ट आंसर वाला नीचे कर देना है, ठीक है। फिर मैं दूसरी स्लाइड में आता हूँ, इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा वीडियो है इसे सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पे टिगर लिखा हुआ है, टिगर के नीचे जो एनिमेशन है इसी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एनिमेशन को सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे और ये जो हमारा करेक्ट आंसर वाला एनिमेशन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही करेक्ट आंसर वाला है। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए ये करेक्ट आंसर वाला ही है। तो हमें क्या करना है, इसे कर देना है सबसे नीचे, यानी कि मैं इसे सबसे बाद में दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे सबसे नीचे कर दूँगा, ठीक है। तो यही छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो अगर ऐसा हो जाता है आपके केस में तो आप इसे इस तरह से सही कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं नीचे कर लेता हूँ, फिर मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी डिलीट करता हूँ और ये करेक्ट आंसर वाला एनिमेशन को नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने आपको दो तीन बार जो है चीज़ों को करेक्ट करके बताया, एडिट करके बताया है और ये आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाना है और यहाँ पे आपको जो भी करेक्शन करनी होगी इन चारों स्लाइड में आपको कर लेना है और फिर लास्ट में आपको स्लाइड मास्टर में जा करके क्लोज मास्टर व्यू कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है सारी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, करेक्शन करने के बाद, करेक्ट करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है। आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहें तो दोस्तों आप उसे वहाँ पर सेव कर लेंगे। तो इसे दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और पहले से जो सेव किया हुआ है उसे मैं
करेक्शन वाले से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। आई होप कि इस बार जो है ये सारी चीज़ें सही बन गया होगा। ठीक है, ये देखिए देखिए, अब यहाँ पे ये टाइमर भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, और टाइमर भी जो है बिल्कुल मस्त है। मुझे नहीं लगता है कि ये टाइमर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और फिर दोस्तों करेक्ट आंसर बताने के लिए आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे इस तरह से बता देगा, है ना। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से फिर सवाल आएगा, ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिक टाइमर आ जाएगा। दूसरे स्लाइड में दोस्तों हमने यहाँ पे कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे जो है सवाल लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ें हमारी आ रही है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से चीज़ें हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा इस तरह से बता देगा। अब इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो है बार बार सी बता रहा है। यहाँ पे मैं होम में जाता हूँ, लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं बी अप्लाई कर दूंगा, फिर मैं स्लाइड शो करता हूँ और यहाँ से मैं इस स्लाइड को प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है लेआउट चेंज करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस बार बी बताएगा। ठीक है, देखिए अब मैं जैसे एंटर की प्रेस करूंगा इस बार आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है बी बता रहा है। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों आपने एक टेम्पलेट बना लिया, इससे आपने 5-10 वीडियो बनाए, ठीक है, अब आपका मन बोर हो गया कि यार एक ही कलर में बार बार बना रहा हूँ, एक ही कलर यूज कर रहा हूँ बार बार, तो दोस्तों आप इसमें जो है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो दोस्तों ये जो है बैकग्राउंड इसमें कुछ इस तरह का लगा हुआ है, तो बैकग्राउंड तो आपको ऐसा ही रखना होगा, लेकिन आप ठीक है ये जो स्लाइड है इसमें ये जो पट्टी है इसका कलर दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे पिक्चर फॉर्मेट में, सॉरी ये जो पट्टी है चॉकलेट कलर का, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेव फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फील में जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों आप अपने पसंद का इसमें कलर फील करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसका कलर चेंज कर देंगे। फिर दोस्तों आप इस पट्टी को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सेव फील में जाएंगे और इसमें दोस्तों आप अपने पसंद का कलर फील कर देंगे। ठीक है, तो आपको जो कलर पसंद हो वो कलर दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह का दोस्तों आपका ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अपने चॉइस के हिसाब से जो है इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार इस कलर का बना दिया तो ये ऐसा ही रहेगा। दोस्तों आप इसका जो है कलर चेंज कर करके आप जो है अलग अलग तरीके के वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों मान लीजिए इसका आपने कलर चेंज कर दिया, फिर आपको ए लेआउट, बी लेआउट, सी लेआउट और डी लेआउट, बस इन चारों का कलर चेंज कर देना है, तो बाकी इधर भी आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव कर देंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखिए इसे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर इसे रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, OBS के थ्रू मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ। मैं यहाँ से एक न्यू सीन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसे रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, मिनिमाइज़ करता हूँ, अभी विंडो में कुछ नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके, और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो है एरो की से इसे बैक कर लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन सिर्फ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। फिर जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर स्लाइड प्ले होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अल्ट और टैब प्रेस करके OBS में जाएंगे, अल्ट टैब प्रेस करके OBS में जाएंगे। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन के जगह पर कोई दूसरा कलर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कलर सोर्स में जाएंगे, कलर सोर्स में जाने के बाद आप ओके करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट कलर में जा करके आप इसमें जो है कोई दूसरा कलर
लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ से मैं ये कलर लगा लेता हूँ, ठीक है, आप जैसा कलर चाहें वैसा लगा सकते हैं, ठीक है। ये कलर हमने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, तो ये कलर हमने लगा दिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन जगह पर यानी कि बैकग्राउंड में जो है पीपीटी के बैकग्राउंड में, ठीक है, पीपीटी के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, लेकिन दोस्तों उसके जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पीपीटी में नहीं करना है, बट यहाँ पे दोस्तों आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे कलर सोर्स जो है ऊपर है, अब यहाँ पे ये पीपीटी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कलर सोर्स को पीपीटी के नीचे रखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने पीपीटी बनाई है इसका बैकग्राउंड कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका आउटपुट जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन। चलिए, अगर यहाँ पे ये विंडो कैप्चर करने से ये प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप यहाँ से क्या करेंगे, इस विंडो कैप्चर को डिलीट ही कर दीजिए, ठीक है। ये हमें विंडो कैप्चर नहीं करनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दोस्तों मैं डिस्प्ले कैप्चर ऐड करूँगा, ओके करूँगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है कैप्चर मेथड में ऑटोमेटिक है, तो यहाँ से मैं विंडो 10 सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे ये विंडो कैप्चर आ जाएगा। और फिर दोस्तों ये क्या करना है, डिस्प्ले कैप्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिल्टर में जाना है, प्लस आइकन पे क्लिक करके इसमें दोस्तों आपको क्रोमा फिल्टर, सेम उसी तरह से क्रोमा फिल्टर लगा देना है, ओके कर देना है, तो इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप इसके हिसाब से जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है, ओके करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें आएगी वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, एक बार दोस्तों यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने माइक म्यूट कर दिया है, अगर आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑडियो, डेस्कटॉप ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर देंगे, और फिर इसे भी अनम्यूट कर देंगे, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर आप इसे मिनिमाइज करेंगे, और फिर दोस्तों पहले तो आप बैक आ जाएंगे, और फिर यहाँ से दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, इस तरह से स्लाइड को प्ले करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे ये स्लाइड प्ले होने लग जाएगा, और इस तरह से ये आपका चीज़ें चलता रहेगा, और उधर जो है OBS ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो जो भी करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे स्लाइड चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा सवाल आएगा, फिर यहाँ पे ये टाइमर वगैरह आएगा, और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है वो हमारा OBS रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। अब चलिए, फाइल पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद दोस्तों शो रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं। सो रिकॉर्डिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वीडियो है जिस फोल्डर में रिकॉर्ड हुआ होगा उस फोल्डर में आपको ये वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को MP4 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, रिमूव से रिकॉर्डिंग में जाना है, यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है, और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इस वीडियो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हमारा वीडियो OBS से रिकॉर्ड हुआ है वो MKV फाइल फॉर्मेट में है, इसे आपको MP4 फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमूव्स पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह से दोस्तों ये आपका MP4 वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो OBS से आपको वीडियो को रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ें और जो है रह गया है, यानी कि जब करेक्ट आंसर बताता है तो उससे कोई साउंड नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि जब करेक्ट आंसर बताए तो उससे भी कुछ साउंड आना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एनिमेशन टैब पे, सॉरी, पहले तो व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाएंगे, क्योंकि एडिट करने के लिए स्लाइड मास्टर में ही जाना पड़ता है। स्लाइड मास्टर में जाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ से स्लाइड में आते हैं, और यहाँ से एनिमेशन में आ करके एनिमेशन पेन ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर वाला एनिमेशन यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप जो भी साउंड लगाना चाहें, अदर साउंड में जा करके आपने जिस तरह का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखा है उस तरह का दोस्तों आप इसमें साउंड लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लगा दूँगा, देखिए लग गया। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इसमें करेक्ट आंसर के लिए एक साउंड लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए तो दोस्तों चारों स्लाइड में हमने लगा दिया है। अब इसे मैं क्लोज करूँगा, स्लाइड मास्टर में जाऊँगा और क्लोज मास्टर व्यू कर दूँगा। बस Oh,